इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के आइडियल मार्केट कौसा के राउत गार्डन के पास आज करीब 2 बजे केबल में ब्लास्ट होने की वजह से 2 महिलाएं बुरी तरह से जल गईं। बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं जामिया इस्लामिया की टीचर हैं, जिनका नाम सहगुफ्ता खान 28 वर्ष और नुशरा खान 20 वर्ष है। बताया जा रहा है कि ये दोनों वहां से गुजर रही थीं, तभी केबल में ब्लास्ट हो गया जिससे आग लग गई। आग में ये दोनों महिलाएं बुरी तरह से झुलस गईं। वहां रखे प्याज की बोरियों में भी आग लग गई। स्थानीय लोग और नगर सेवक शाह आलम राजू अंसारी इब्राहिम राउत ने अस्पताल इन महिलाओं को पहुंचाया। इस जगह पर केबल खुले पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर एक बार और भी ब्लास्ट हो चुका है। अब ये बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। अगर वक्त रहते केबल बदली की गई होती तो ये हादसा नहीं होता। इस हादसे में इन दोनों महिलाओं की जान तो बच गई है, मगर वहीं अगर ये और भयानक होता तो जरा सोचिए कि इन महिलाओं के साथ क्या हुआ होता। इन महिलाओं को पहले कालशेखर अस्पताल ले जाया गया, फिर ठाणे के सिविल अस्पताल में इन दोनों महिलाओं को भर्ती किया गया है। जगह जगह केबल खुला होना ये महावितरण की सबसे बड़ी लापरवाही है। सड़कों पर खुले केबल, अगर किसी की जान इस खुले केबल से जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको मुंब्रा शहर में लगभग हर गली में इसी तरह के खुले हुए केबल सड़कों पर मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर केबल की हालत बस से बदतर हो गई है। अगर इन केबल से हादसा होता है और किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।